चलिए दोस्तों, टाइम हुआ है बेकार बातें करने का। आप लोग सुन लेते हैं तो मैं कर लेता हूँ। बेकार बातों में एक बात तो ये है कि हम लोग जो हैं वो हमारे मिजाज में जो है वो फैसला करना जो है वो बड़ा हमारे मिजाज में है। ये हमारा एक मिजाज है कि बस हम फौरन जो है वो कोई भी झगड़ा हो रहा होगा, कहीं कोई भी कज़िया होगा, हम फौरन जाके वहाँ पे तुम गलत हो, तुम सही हो, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। हम फौरन गलत या सही डिसाइड करना शुरू कर देते हैं। हम फौरन फैसला कर देते हैं कि जनाब ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। देखिए, जब तक एक तो ये बात, ये बहुत पुराना है अक्लमंदों की ये बात कि आप उस वक्त तक किसी के बारे में राय मत कायम करो जब तक आप दोनों तरफ की बात ना सुनो। किसी भी मामले का फैसला करने से पहले दोनों तरफ की बात सुनो। अच्छा चलें, दोनों तरफ की बात तो आप उस वक्त सुनेंगे जब आपसे कहा जाएगा कि हाँ जी, आप दोनों तरफ का मामला सुनिए और फिर फैसला दीजिए। हमारा मिजाज है कि हम वैसे ही फैसला देने के लिए तैयार रहते हैं। हम फौरन जज की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, हम फौरन ये फैसला करना चाहते हैं, यार ये गलत है, यार नहीं ये गलत है, बस ये आदमी तो बस बेकार ही है ना। फौरन बहुत जल्द हम फैसला देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि महज़ब कौमों में ये होता है कि जनाब मेरे ख्याल में, आई थिंक ऐसा होना चाहिए। मतलब वो अपनी, अगर राय उससे कहा जाता है कि आप अपनी राय दें, तो वो अपनी राय इस तरीके से देता है कि हाँ जी आई थिंक डैट, जैपनीज में कहते हैं जुमले के आखिर में तो मोहिमस, यानी ऐसा मैं सोचता हूँ। यानी आदमी अगर आपसे कहा भी जाए कि हाँ जी आप फैसला दें, तो आप फैसला नहीं देते बल्कि आप कहते हैं मेरी राय में ऐसा कर लेना चाहिए, आगे आपकी मर्ज़ी। हम लोग क्या कहते हैं, नहीं तुम गलत हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम फौरन जज की कुर्सी पे बैठ जाते हैं। भाई आपको जज की कुर्सी पे बिठाया किसने? लेकिन ये हमारा मिजाज, हम बहुत जल्दी जो है ना वो जज की कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, फौरन फैसला करना चाहते हैं, ये गलत है, नहीं ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो फलाना जो है वो यूँ है। यार आपसे पूछा किसने है भाई? लेकिन हम लोग, अच्छा एक हमारे कल्चर में ये बड़ा, इस पर अक्सर कॉमेडियंस भी बोलते रहते हैं कि जनाब हमें राय देनी है खामखा। एक आदमी जो है वो अपनी गाड़ी ठीक कर रहा है, मुझे गाड़ी के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं उसको मशवरा दूंगा, यार बोनट चेक करो, यार वो फलाना पुर्जा चेक करो, उसमें देखो शायद उसमें तो नहीं है। अच्छा ये है हमारी नेचर है। अभी मेरा UPS ख़राब हो गया था तो मैंने UPS ठीक करने वाले को बुलाया, तो वो अपना काम कर रहा और मैं उसके बीच बीच में लुकमे दिए जा रहा, देखना यार ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, इसमें ये वाला तार तो ऐसा ख़राब नहीं है। अब मुझे उस तार का कुछ ना सिरा पता है, ना पता है ना कहाँ से शुरू होता है वो तार, कहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन बस वो मेरी नेचर है, ये हमारी नेचर है, कुछ चीज़ें हमारी नेचर में है। जैसे कि मैंने देखा है कि अक्सर मैंने यूरोप में, कनाडा में देखा है कि गोरे का बच्चा या डेवलप कंट्री, गोरे का बच्चा भी छोड़ दें, डेवलप कंट्री जितने हैं उनके बच्चे जब एलिवेटर में चढ़ते हैं तो वो बड़े सुकून से एलिवेटर में खड़े हो जाते हैं, जिस फ्लोर पर जाना होता है वो फ्लोर दबाते हैं बटन उसका। हमारा बच्चा जो है जिसको हम देसी कहते हैं, फॉरेनर्स में हम अपने लोगों को, इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी को हम कहते हैं देसी, तो वो देसी बच्चा जैसे ही जो एलिवेटर में घुसता है वो सारे बटन जो है ना ऊपर से नीचे तक दबाता है। अच्छा ये पता नहीं क्या है, ये है हमारी नेचर, मेरा भी दिल चाहता है बटन दबाऊँ, बड़ा मज़ा आता है एलिवेटर के बटन दबाने में, तो हमें मज़ा आता है, एक इन्जॉयमेंट मिलता है, ये है हमारा, एक नेचर है हमारा। तो ये हमारा जो है वो, मैं ये कहता हूँ कि इन बच्चों को किसने सिखाया, गोरे के बच्चे को किसने सिखाया कि यार तुमने सिर्फ वही बटन दबाना, उसको क्यों नहीं मज़ा आता है एलिवेटर के बटन दबाने, हमारे बच्चों को क्यों मज़ा आता है एलिवेटर दबाने, आई डोंट नो, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। दूसरी बात जो मैं, संजीदा बात है, वो संजीदा बात ये है कि अभी पिछले लेक्चर में मैं कह रहा था इतना फैसला जो हम करते हैं वो हम अपने समझ बूझ के हिसाब से, अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, और अपना जो हम समझते हैं कि ये सही करना चाहिए वो हम फैसला कर देते हैं। लेकिन फैसला सही था या गलत था
ये वक्त बताता है। एक बड़ा पुराना चाइनीज़ कहावत भी है और कहानी भी है कि जनाब एक चाइनीज़ जो है वो एक घोड़ा जो है उसको बहुत सस्ता मिल जाता है, बहुत खूबसूरत घोड़ा होता है, सस्ता मिल जाता है, वो उसको सस्ता ख़रीद के ले आता है। तो वो कहता है ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती हो गई, ये तो मैं बड़ा लकी रहा, मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा कि मैंने घोड़ा मुझे बड़ा सस्ता मिल गया। उसका बेटा जो है दूसरे दिन जो है वो घोड़े पे बैठ के सैर करने जा रहा होता है, तो वो बेटा उसका घोड़े से गिर जाता है, उसकी टांग टूट जाती है। वो टांग टूट जाती है, वो लेके आता है तो चाइनीज़ कहता है यार ये घोड़ा जो है मेरे लिए बड़ा बदकिस्मत रहा, ये बड़ा मनहूस घोड़ा साबित हुआ मेरे लिए, ये मेरी बदकिस्मती है कि मैंने खामखा ये घोड़ा ख़रीद लिया। उसी ज़माने में जो है जंग छिड़ जाती है, बादशाह को फ़ौज के लिए लोग चाहिए होते हैं, वो बादशाह जो है हर घर से जवानों को पकड़ पकड़ ले आने लगता है। इसके बेटे को भी कहते हैं चलो तुम भी फ़ौज में भर्ती हो। तो ये जब फ़ौज में भर्ती होता है तो ये बच्चे की टांग टूटी होती है, तो इसके बच्चे को छोड़ जाते हैं कि यार इसकी तो टांग टूटी है। तो इस तरह वो फ़ौज में जाने से बच जाता है, इसकी जान बच जाती है। तो कहता है ये मेरे लिए खुशकिस्मती हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि आगे पूरी कहानी है, मुझे इसको पूरी याद नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये कि खुशकिस्मती या फैसला सही हुआ या गलत हुआ, ये चीज़ें वक्त के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। अच्छा, तो मेन मिसाल के तौर पर जैसे फैसला हमने किया कि हमसे मुराद मुसलमानों ने, इंडिया के मुसलमानों ने फैसला किया कि जनाब हमें एक अलग मुल्क चाहिए, तो वो जनाब पाकिस्तान बन गया। अब वो पाकिस्तान बनने का फैसला सही हुआ या गलत हुआ ये वक्त ने साबित करना था। अब अगर पाकिस्तान नीचे जा रहा है दिन ब दिन तो फैसला गलत हो गया, अगर पाकिस्तान तरक्की कर गया तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, नहीं यार हमारा देखा ना हमारा फैसला सही था ना यार हमने तरक्की कर ली। मेरे हिसाब से मेरे ख़्याल में और अगर मैं तारीख़ पर नज़र भी डालता हूँ तो इंडिया के रहने वालों को और अमूमन हिंदुओं को ये शिकायत है कि तुमने भारत के टुकड़े कर दिए, यानी हमारा भारत जो था वो एक मुल्क था और तुमने उसको तकसीम कर दिया, ये उनकी शिकायत है। और इंडिया में जितने भी रहने वाले मुसलमान वो भी पाकिस्तान के बनने से बड़े नाला है। अच्छा, वो इसमें थोड़ा सा तारीख पर अगर हम रोशनी डालें तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान नहीं बनना था, जिना साहब ने, अगर आप पूरी तारीख पर नज़र डालें तो जिना साहब को तो बहुत बाद में बुलाया गया था। इंडिया में जो मुसलमान सरदार थे वो नहीं चाहते थे कि उनकी हुकूमत ख़त्म हो, तो वो ये चाहते थे कि जो मुसलमान जहाँ पर अक्सरियत है उन इलाकों में मुस्लिम स्टेट्स बन जाएँ, तो वो एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का उनके जहन में एक तसव्वुर था और जिना साहब भी इसी तसव्वुर को प्रमोट करने आए थे कि हाँ जी जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ मुसलमान रियासतें बन जाएँ और जहाँ पे हिंदुओं की अक्सरियत है वहाँ हिंदुओं के स्टेट बन जाए। तो स्टेट्स जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, सोवियत यूनियन है, उसी तरीके से इंडिया का भी चलाने का प्लान था कि एक मुल्क रहे और उसमें मुख्तलिफ रियासतें हों, जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत हो वहाँ पर मुसलमान हुकूमत करें। तो इस तरह मुसलमान जो नवाबीन थे उनकी अपनी हुकूमतें, उनकी जागीरें बच जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वक्त के साथ साथ, अच्छा इस पर नेहरू साहब का भी वो है कि नेहरू ने जो है इस बात की मुखालफत की और उनका नहीं जी हमने इस तरह से नहीं चलना। तो पाकिस्तान इंडिया के टुकड़े होने में जिना साहब का इतना कसूर नहीं है मेरे हिसाब से, मेरा ख्याल है। देखें ये एक राय है, आप लोग इस राय से मुत्तफिक हो सकते हैं, इस राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इख्तलाफात में एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाना जो है वो सही नहीं है। आप मुझे कायल कर दें अगर आपके पास दलायल हैं, और नहीं तो मेरे पास दलायल होंगे मैं कायल कर दूँगा, और नहीं तो ठीक है हम दोनों एक दूसरे को अगर ना भी कायल कर सकें तो आप अपने नज़रिए पर खुश रहें, मैं अपने नज़रिए पर खुश रहता हूँ। हम इंसान हैं, कोई जानवर या रोबोट्स नहीं हैं। और इंसान में और रोबोट में फ़र्क यह है कि हर आदमी की अलग अलग राय होती है, हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, हर आदमी अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अपनी सोच बनाता है। अब रह गया भारत, तो भारत तो अंग्रेज़ों से पहले कभी भी एक मुल्क नहीं था,
भारत कभी एक मुल्क था ही नहीं। किसी इलाके पे मराठे हुकूमत कर रहे थे, किसी इलाके पे सिराजुद्दौला की हुकूमत थी, कहीं कोई था कहीं कोई था। तो भारत हमेशा से मुख्तलिफ रियासतों में बटा रहा था और उन रियासतों के आपस में जंग होती रहती थी। एक तरफ मुग़ल थे, कभी मुग़ल ताकत में आ जाते थे तो काफ़ी एरिया वो कवर कर लिया करते थे हिंदुस्तान का, उसके बाद और कोई राजा आ जाता था, कोई महाराजा आ जाता था कोई। तो हिंदुस्तान बेसिकली एक मैं समझता हूँ कि ये अंग्रेज़ का हम पर एहसान है कि उसने हमें एक कर दिया, उसने सारे भारत को फतह करके एक मुल्क बना दिया। वरना भारत कभी एक मुल्क नहीं था, भारत में एक कौम नहीं बसती। भारत में 450 से ज़्यादा तो ज़ुबानें बोली जाती हैं, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, शायद बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो भारत में एक कौम बसती नहीं है, मुख्तलिफ कौमें बसती हैं। अच्छा, अब अंग्रेज़ ने क्या किया कि सबको मार के ग़ुलाम बना दिया, सब एक जैसे लेवल पे आ गए, सब ग़ुलाम बन गए। अब जब सब ग़ुलाम हो गए तो सब एक हो गए, सबकी सोच एक तरह से सोचने लगे। और जैसे ही अंग्रेज़ गया या जाने लगा तो सबकी सोचें मुख्तलिफ होना शुरू हो गई। और इस पे जो है वो बड़ा एक मशहूर वाक़िया भी है कि फिर दो कौमी नज़रिया सामने आ गया। उस पे एक वाक़िया मैं आपको सुनाऊं कि जब जिना साहब ने पाकिस्तान की या दो कौमी नज़रिए की बात पे आ गए तो तालिबिल्मों में से हिंदुओं ने कहा कि जनाब ये आप हमारे मुल्क के टुकड़े कर रहे हैं, हम में आप में फ़र्क ही क्या है, हम तो एक कौम है, आप जो है वो खामखा अलग कर रहे हैं। तो जिना साहब खामोश हो गए तो लोग शोर शराबा शुरू हो गया। तो जिना साहब ने किसी को इशारा करके कहा एक गिलास पानी लाओ। वो पानी लाया तो जिना साहब ने पानी आधा पी के रख दिया। और वो जो हिंदू स्टूडेंट ने कहा था कि जनाब आप जो है हमको अलग कर रहे हैं, हमें और आप में फ़र्क ही क्या है, तो जिना साहब ने कहा कि ये पानी पी लो, यानी मेरा झूठा पानी पी लो। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपका झूठा पानी नहीं पीऊँगा। फिर उन्होंने जिना साहब ने एक मुसलमान लड़के को इशारा किया, उनका तुम ये पानी पी लो। उसने झट जाके वो पानी पी लिया। तो जिना साहब ने कहा कि ये फ़र्क है हम में और आप में। तो वो खामोश हो गया, यानी जिना साहब ने एक माकूल तरीके से उसकी बात का जवाब दे दिया। अच्छा, ये तो था एक मज़हब की रिलीजन की बेस पे एक डिफरेंस। मैं ये समझता हूँ कि कौमें जो बनती हैं उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है एक कौम बनने का, सबसे पहले होता है लैंग्वेज, रिलीजन उसके बाद होता है, और तीसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो होता है एक कौम बनने का वो होता है कल्चर। मिसाल आप इसकी इस तरह लें कि मशरिकी पंजाब में रहने वाले सिख और मग़रिबी पंजाब में रहने वाले पंजाबी मुसलमान एक दूसरे से बड़ी अकीदत बड़ी मोहब्बत रखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो होता है लोगों में एक कौम बनने के लिए वो होता है लैंग्वेज। अच्छा, अगर तो स्टेट जो है हुक्मरान जो हैं वो सबको बराबर से राइट्स उनके दे दें, सबको अधिकार उनके हुकूक बराबर से दे दें, तो सब खामोश रहते हैं और सब कहते हैं ठीक है जी हम एक कौम बन जाते हैं। मिसाल इसकी यूँ है, अमेरिका देख लें आप, कैनेडा देख लें, कैनेडा में कोई एक कौम नहीं बसी, अमेरिका में कोई एक कौम नहीं बसी, कोई स्पेन से आया है, कोई इटली से आया है, कोई पेरू से आया है, कोई चिली से आया है, कोई इंडिया से आया है, कोई पाकिस्तान से आया है, कोई फिलीपींस से आया है, लेकिन सब अमेरिकन बन गए, सबको अमेरिकन पासपोर्ट दे दिया गया और सबको बराबर के राइट्स दे दिए। जब सबको बराबर के राइट्स दे दिए तो बड़ा प्राउडली मैं भी कह रहा हूँ कि जी आई एम अमेरिकन या आई एम कैनेडियन, और मेरे साथ जो हिंदू है वो भी कह रहा आई एम कैनेडियन, और मेरे साथ जो फिलिपिनी है वो भी कह रहा है आई एम कैनेडियन, और मेरे साथ जो इटालियन है वो भी कह रहा है आई एम कैनेडियन। तो क्या हुआ, हम कैनेडियन होने पे प्राउड इसलिए फील कर रहे हैं कि हम सबको बराबर के राइट्स दे दिए हैं। जहाँ रोटी कम पड़ जाती है या जहाँ न्याय नहीं होता, इंसाफ नहीं होता, जस्टिस नहीं होता, वहाँ पे लोग बिल बिलाना शुरू कर देते हैं, इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं। आप देखें इंडिया में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, कितनी कौमें हैं जो एहतजाज कर रही हैं, जो टूटना चाह रही हैं, अलग होना चाह रही हैं। क्या हिंदुओं में ऐसी रियासतें नहीं हैं जो कि उनका रिलीजन इंडिया है, हिंदू मत है, उनका रिलीजन हिंदू है, लेकिन उसके बावजूद वो इंडिया से अलग होना चाह रहे हैं।
क्या पाकिस्तान में कराची में जो इंडिया से आके माइग्रेंट्स बसे, क्या वो एहतजाज नहीं कर रहे, अपने हक़ के लिए नहीं लड़ रहे? तो क्या होता है कि जहाँ पर इंसाफ नहीं होता वहाँ पर एहतजाज शुरू हो जाते हैं, और जहाँ पर इंसाफ होता है वहाँ पर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलने वाले, मुख्तलिफ रिलीजन वाले भी एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। आप जाके देखें अमेरिका में, एक बराबर में जनाब हिंदू रह रहा है, उसके बराबर में कादियानी रह रहा है, उसके बराबर में मुसलमान रह रहा है, उसके बराबर में शिया रह रहा है, उसके बराबर में सिख रह रहा है, उसके बराबर में ईसाई रह रहा है, उसके बराबर में यहूदी रह रहा है, कोई आपस में झगड़ा नहीं कर रहा, क्योंकि सबको रोटी पूरी मिल रही है। इसलिए बाज़ औक़ात मैं कहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन जो है वो है रोटी। आप मेरी बात से इख्तलाफ़ कर सकते हैं लेकिन ये मेरी अपनी राय है। तो बात यह है कि जहाँ पर इंसाफ नहीं होता वहाँ पर फिर शोरिशें शुरू हो जाती हैं, राइट्स शुरू हो जाते हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं। आइडियल सिचुएशन ये है जो उस वक्त के नवाबीन ने कहा था, इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, कि भाई स्टेट्स बना दीजिए, मुख्तलिफ स्टेट्स, और उनके ऊपर फेडरेशन जो है वो एक इंडिया की फेडरेशन रहे, बाकी सब स्टेट जो है अपने मामला संभाल लें, और उसका नाम हम रख देते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। वो हो नहीं सका। मेरे हिसाब से मुल्क जो बनते हैं उनका स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए लैंग्वेज। आप देखें मशरकी पंजाब और मग़रबी पंजाब को एक कर दें, स्टेट बना दें। आप सिंध को, पाकिस्तान के सिंध को, इंडिया के राजस्थान को, जहाँ पे सिंधी बोली जाती है, वो उस लैंग्वेज के हिसाब से एक स्टेट बना दें, बड़े खुश रहेंगे लोग। आप जो है वो पख्तूनिस्तान, पाकिस्तान का KPK, अफगानिस्तान का पश्तों का इलाका, वो जो भी जहाँ जहाँ एक लैंग्वेज बोली जाती है उसको एक लैंग्वेज बना दीजिए, उसको एक स्टेट बना दीजिए, बड़े खुश रहेंगे लोग। लेकिन फिर वही वाली बात है कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन आमतौर पर जब एक भाषा बोलने वाले, एक लैंग्वेज बोलने वाले साथ रहते हैं तो वो आपस में इंसाफ करते हैं। इसकी मिसाल हमारी जो दो कौमी नज़रिया है, जो हम जिसकी बेस पे हमने इंडिया से अलग हुए कि जनाब इंडिया से हमने पाकिस्तान ले लिया, वो 71 में फेल हो गया। बंगाली भी मुसलमान थे, हम भी मुसलमान थे, लेकिन बंगाली हमसे अलग हो गया, बंगाली तरक्की कर गया। और बंगाली क्यों तरक्की कर गया? कि बंगाली में एक लैंग्वेज बोली जाती है और वो है बंगला। तो फिर मैं अपने नज़रिए की बात तायीद करते हुए कहता हूँ कि जहाँ एक लैंग्वेज बोली जाती है वो इलाके तरक्की करते हैं, और लैंग्वेज ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एक कौम बनाने का। इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि आप मिडल ईस्ट में देखते हैं कि कितने मुसलमान जाते हैं, पाकिस्तान से भी लोग जाते हैं, इंडिया से भी जाते हैं और दूसरे मुल्कों से भी जाते हैं। अब एक शख्स ईसाई है, मिसाल के तौर पर कोई फिलीपीन से आया, कोई थाईलैंड से आया, वो नॉन मुस्लिम है, और शेख जो हैं सारे मुसलमान हैं, मिडल ईस्ट में सारे मुसलमान शेख हैं ना, लेकिन जो लैंग्वेज जानता है ईसाई, वो ज़्यादा इंटीमेट हो जाता है उस शेख से जो कि मुसलमान है, और पाकिस्तानी जो है उसका मुंह तकता रह जाता है क्योंकि पाकिस्तानी को लैंग्वेज नहीं आती। तो जिसको लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है लोगों को करीब करने का। रिलीजन दूसरा बड़ा पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट लैंग्वेज है, जो मैंने आपको मिसाल दी कि आप देखें कितना आप लोग ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट में जो लोग रहते हैं, आपने देखा होगा कि एक पाकिस्तानी है वो कह रहा है जनाब मैं भी मुसलमान हूँ, ये शेख भी मुसलमान है, लेकिन उसको अगर ज़ुबान उसकी नहीं आती तो वो उस शेख से इतने जल्दी करीब नहीं होगा जितने जल्दी एक दूसरे मज़हब का, कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई और यहूदी, अगर वो उसकी लैंग्वेज बोल रहा है शेख की, अरबी लैंग्वेज बोल रहा है, तो वो उसके ज़्यादा करीब हो जाएगा। तो मेन बॉन्ड जो हुआ वो हो गया लैंग्वेज का। और अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने हर लैंग्वेज बोलने वालों को साथ लेके चलना है, तो फिर आपको इंसाफ करना पड़ेगा। और इंसाफ के लिए फिर वही वाली बात है कि यूरोप और कनाडा, नॉर्थ अमेरिका वाले लोग मशहूर हैं कि आप देख लें फ्रांस में हर तरह के मज़हब के लोग रह रहे हैं, हर तरह की कौमें आबाद हैं। मजाल है जो कोई शिकायत करेगा ना मेरे साथ अन्याय हो गया, और जहाँ अन्याय होगा वहाँ पर एहतजाज शुरू हो जाएंगे। इंग्लैंड में देख लें, जर्मनी में देख लें, कितने मुसलमान आबाद हैं, कितनी कौमें आबाद हैं, कितने मज़हब के लोग आबाद हैं, वहाँ कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे इंडिया पाकिस्तान में। क्यों? कि हमारे इंडिया पाकिस्तान में लोगों को या तो आप स्टेट्स बनाएं, एक लैंग्वेज बोलने वाली एक स्टेट हो, या फिर आप सबको इंसाफ दें ताकि सब खुश रहें। तो ये मेरा नज़रिया है, आप लोग इससे इख्तलाफ़ करना चाहें ज़रूर करें, कमेंट्स दें, और इस पर हम आगे बात कर सकते हैं। बेकार की बातें हैं, ऐसी ही बातें हैं बेकार की। लेट अस सी व्हाट हैपेंस।